हल्द्वानी में नगर निगम प्रशासन द्वारा अवैध अतिक्रमण को हटाने पहुंची टीम के विरोध में पुलिस और लोगों के बीच में झड़प हुई और इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि पुलिस और प्रशासन के लोगों को चोट आई है, वहां पर केंद्रीय बल को भेजा गया और कर्फ्यू अब लगा दिया गया है। जिन्होंने आगजनी की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और वही कार्रवाई के साथ साथ क्षेत्र में शांति बनाए रखने की भी अपील की है। और इस अपील में क्या कुछ कहा सुनिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहां पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।